तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका लाइव विद प्रियांशी चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। तो गाइस, आज मुझे एक और पार्सल रिसीव हुआ है मेरी कोलेब्रेशन से, और मुझे देखने से ऐसा लग रहा है ये सनस्क्रीन है, क्योंकि वही ऑर्डर की थी। एक दो और करे हैं अभी, तो अभी इसे मैं ओपन करके दिखाती हूँ क्या है इसके अंदर। मुझे मिले कोलेब्रेशन, तो देखते इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। एक मिनट, मैं इसे ओपन कर लेती हूँ एक बार अच्छे से, फिर आपको अच्छे से दिखाऊंगी इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। और क्या ही तो दिखाऊं, मम्मी की तबीयत है ना ख़राब हो गई। मतलब मम्मी के सिर में इतना दर्द और बीमार हो गया मम्मी, बिल्कुल गंदे वाली ना, क्या हो रखा है। आ गई मम्मी, क्या हुआ मम्मी? सिर में दर्द हो रखा है गंदे वाला। एक बार मैं इसे खोल लेती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस देखिए, मैंने इसे ओपन कर दिया है। क्या निकला? और निकला है ये, क्या है? इनविजिबल सनस्क्रीन है ये। और ये मिल गया जिसकी भैया मेरे को, ये है ये जिसकी भैया। कितने की थी मुझे? 530 की। 530 की है। देखिए प्राइस क्या है इसका? इस पे तो प्राइस है 700। अमेजोन वाटर रिसीव हुई है। हाँ, अमेजोन पे से हमें ये रिसीव हुई है, और इस पे तो प्राइस 700 है, लेकिन हमें मिली है 530 की। अच्छा, आपने खरीदी है? नहीं, कोलैबोरेशन में मिली है हमें। तो फिर 550 रुपये क्यों दिए तुमने? क्योंकि बाद में हमें रिसीव हो जाएंगे वो। बाद में एक बार पता है क्या करना होता है, देखो पहले हमें जैसे उसमें से कोलैबोरेशन का ऑफर मिलता है, हम उसमें से ऑर्डर करते हैं, ठीक है? तो हमें जैसे अभी रिसीव हो गया, तो हमें वीडियो बना के उनके पास सेंड करना होता है। इसका काम करना पड़ता है, जब हम उनका पूरा रिव्यू भेजना होता है उनके पास पूरा अच्छे से। फिर जब उनके पास उनका काम कंप्लीट पहुंच जाता है, तो फिर वे पैसे वापस रिटर्न कर देते हैं हमें। तो और प्रोडक्ट हमारे पास, प्रोडक्ट हमारे पास रहेगा। तो एक टाइप से आप इसे फ्री बोल सकते हैं, क्योंकि फ्री भी नहीं, मतलब थोड़ा काम करके करना पड़ता है, इसकी वीडियो वगैरह बना के और वो डालनी पड़ेगी, रिव्यू वगैरह देना पड़ेगा। मतलब उस तरीके से है कि उनका काम करके, जब अब जैसे हमने ये इसीलिए बस स्टार्टिंग में कि भाई क्या गारंटी है हम उनकी वीडियो बनाए या ना बनाए, इसलिए बस रूम में क्या पैसे ले लेते हैं ना, ताकि और फिर जब उनका काम कंप्लीट हो जाता तो आपके पैसे रिटर्न कर देते हैं। ऐसा ही हो रहा है गाइस। और आज तो कुछ अलग था, आज क्या का था? कई चीज थी, लेकिन मेरे कई चीज अभी मिले भी नहीं रहे, क्योंकि गाइस जो हमारे काम की नहीं तो उस चीज को लेने का फायदा क्या, लेकिन लेने पड़ेगी। वो सारे डेली अवॉइड नहीं कर सकते इस चीज को, क्योंकि ये काम है, काम को डेली अवॉइड नहीं कर सकते। मैं इसीलिए नहीं ले रही, क्योंकि मेरे स्किन को ना कोई भी फेस वॉश सूट ही नहीं करता है, सच्ची बता रही हूँ। लेकिन फिर भी लेना पड़ेगा, क्योंकि तो आज डेली अवॉइड नहीं कर सकते। मैन का वो था कि मैन के लिए है वो फेस वॉश, तो वो लिया है था मैंने आज, वो लिया। स्क्रब है क्या? स्क्रब है आज तो वो आया था, और कल भी रिसी हमने नहीं लिया कोलैबोरेशन, परसों भी आया था परसों भी नहीं लिया। कई रोज आ जाते हैं मान लो, लेकिन वही बात है, फिर डेली ना अगर नहीं लेंगे तो फिर मशकारा हो गया। जैसे अब मैंने नहीं लिया कि मेरे पता नहीं क्या काम क्या होगा, क्या काम आएगा मेरे, तो क्योंकि मम्मी ने ये खोल दिया है, आप देख लीजिए, ये है इसका नाम इनविजिबल सनस्क्रीन है, केयर की है। और ये इतनी सी, ये देखिए, देखते हैं कैसी होगी कैसी नहीं। वैसे हमने तो आज तक सनस्क्रीन वगैरह यूज नहीं की, मम्मी भी नहीं करती इतना ज्यादा ना मैं करती, तो अभी तो मेरे ख्याल में हमें ये यूज करना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि अब बाहर बाहर जाएंगे तो जैसे सोनीपत वगैरह जाते हैं तो वहां लगा के जाने चाहिए। अब लगा लेंगे आगे, तो है नहीं मम्मी, देख लेंगे। चलो छोड़ो, तो गाइस बस आपको दिखानी थी इसमें, और कुछ नहीं है कि भाई क्या रिसीव हुआ क्या नहीं हुआ है। और दिखाऊंगी मैं तो ऐसे दिखा देती हूँ कि ताकि मेरे को भी याद रहे, वीडियो बन जाएगी तो इसको भी याद रहेगा कि इसको शुरुआत में क्या कोलैबोरेशन क्या क्या मिला था। सबसे पहले कोलैबोरेशन तो मम्मी कल फिर सनस्क्रीन किया आज, इसलिए फिर दोबारा सनस्क्रीन किया गया। बताओ इतने सनस्क्रीन इकट्ठा करके मैं क्या करूंगी? नहीं, अलग अलग चीजें मंगवा ले। अलग अलग मंगवाऊंगी अभी।
शैम्पू वगैरह भी थे, मैं शैम्पू भी पर थे, वो है कंडीशनर थे, परसों जो आए थे वे कंडीशनर वगैरह थे, फिर कल आए थे जो उसमें भी कई कंडीशनर थे, शैम्पूज थे, लेकिन कल हम सोनी पर जा रहे थे फिर हमने वहाँ ध्यान नहीं दिया, हमने रिसीव ही नहीं किया, तो फिर वो चलेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आते जाते रहते हैं। तो चलिए गाइस मिलते हैं थोड़ी देर, थोड़ी देर में मिलते हैं। मम्मी की तबीयत खराब हो गई है, मम्मी थोड़ा रेस्ट कर लेती है। बिल्कुल एकदम मेरे सिर में, मम्मी के सिर में बहुत ज़्यादा ही दर्द है, और ऐसी कोई बात नहीं है कि एक मिनट रुको, देखो अब थोड़ा ठीक लग रहा होगा आपको भी। तो मिलता आपसे थोड़ी देर में। चेंज कर लिया है, आप ये कहते हो गए ये है ना एकदम ऐसे ट्रांसफॉर्म कैसे हो जाती है। वैसे सच्ची बताऊँ तो अभी थोड़ी आदत डाल रही हूँ उस चीज़ के लिए, मम्मी को कहना पड़ता है अभी भी। लेकिन ये देखिए तो मम्मी अभी यहाँ पे बैठी हुई है, प्रेस कर रही हूँ। आपने कही थी आप कल करोगे, लेकिन कल क्या हुआ फिर? कल और काम आ गए थे तेरे पापा के, कुछ दो तीन काम और थे। ओके तो मम्मी के तो दो तीन काम और थे, तो मम्मी तो अभी प्रेस कर रही है। तो मैंने लवीना को कहा कि मेरी रील बनवा दे लवीना, लवीना बस अभी आ ही रही है, और आज मेरे को स्कूल से भी बहुत ज़्यादा काम मिला है, पर कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे हम सारी चीज़ों को एक साथ। हेलो गाइस, तो मैं आ चुकी हूँ इसके आंटी के पास। तो चलिए ये जब तक ये ब्लॉग जाओगा, जब जाओगा ये ब्लॉग, जब हमारा बेबी आ चुका होगा उससे पहले तो जाएगा नहीं, अतः हम अपनी यादें क्रिएट करते ही ये ब्लॉग बना रहे हैं, ना कि भाई कुछ उसते ही बना रहे हैं। अब कल नाम देखेंगे तो ये बहुत सी चीज़ें ऐसी रहें जो ये बच्चे हुए तो वो बहुत सी मेमोरी ऐसी हो जो याद भी नहीं रहती, या जिसको हम जीना चाहें दोबारा तो नहीं जी पाते, तो जब भी ब्लॉग देखेंगे तो उसी पल को हम दोबारा जी सकते हैं। इसीलिए हम ये आज का ब्लॉग स्पेशल खुद के लिए बना रहे हैं, खुद की यादें क्रिएट करने के लिए कि भाई कैसा वो है। सच्ची बता रही हूँ मैं दिल से कि मतलब बेबी आने वाला है तो बिल्कुल अजीब सा ही क्या बताऊँ, फीलिंग्स बयां नहीं कर सकती, क्या हो रहा है क्या नहीं मन में। मेरे ख्याल से होना तो इसकी आंटी का चाहिए, पर उससे ज़्यादा मेरे को हो रहा है, एक्साइटमेंट भी है, नर्वसनेस भी है, और कह सकते हैं आप कुछ भी लगा लो, मतलब ऐसा है कि भाई हाँ जैसे डॉक्टरनी ने जो दिन दे रखा है, या मतलब दिन तो एक दिन आगे का था, लेकिन मतलब ये है कि भाई हम होली के वजह से, मतलब डॉक्टर ने बोला था 20-21 में से कभी भी आ सकते हो, तो हम सोच रहे हैं कि 20 को जाएं ताकि होली पर त्यौहार पर अपने घर में आ सकर छुट्टी मिल जाए, बाई चांस अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो। वो इसके पापा ने बोला है तो हमने सबसे सलाह करी भाई इसमें ये नहीं है, क्योंकि देखो बहुत से है ना ये भी वो कर लेंगे कि इन्हीं की चल रही है, इन्हीं की वो है, तो इसी मारे भाई ये सलाह करके और अपना सारी चीज़ें सोच साच के हमने एक दिन पहले का इसके पापा ने बोला था, मैंने इस तरह डिस्कस कराया, मगर ये ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, फिर अपने भाई दीदी अरता भी जिस तक ऊपर पूछना था उनते भी पूछा था, उन्होंने भी बोला कोई दिक्कत नहीं है, ये ठीक है सोच ये इस तरह की, तो इसीलिए तो अब कर रहे हैं बेबी के लिए कल क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या उसका रखना। वैसे तो हमने देखो एक एक चीज़ वॉश कर करके डिटॉल से निकाल निकाल के एक एक चीज़ संजो के रख दी है, लेकिन अब उन्हें पैक करने का टाइम आ चुका है, तो अब करेंगे उन्हें पैक। और सविता तभी जानेंगे सविता के दिल में क्या हलचल माच रही है, मेरे तो दिल में ही हलचल हो रही है, जुनू तय मैं ही पैदा करूँगी। सच्चाई बताओ पेट में ना अजीब सी गुदगुदी सी मच रही है, अजीब सा ही मतलब बता नहीं सकती मैं। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है ऐसा। वैसे भी मेरा नेचर ऐसा है कि मेरा ना छोटी सी चीज़ों से बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो ही जाती है, छोटी सी टेंशन से भी नींद उड़ जाती है, मैं मेरा नेचर ही ऐसा है, चाहती नहीं मैं मतलब किसी की बातों से या किसी चीज़ से अकबो होगा, लेकिन मैं इफेक्ट हो ही जाती हूँ, क्या करूँ, ये एक गलत नेचर है जिसकी मैं बदलना चाहती हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, नेचर इज नेचर। तो चलिए गाइज मैंने अपनी सारी बातें बता दी, सारी तो क्या बता दी जितनी बतानी थी, ठीक है। अब जानते हैं इसकी आंटी तय, और भाई अपनी जो तैयारी करेंगे जो कुछ करेंगे, क्योंकि ना ये इसलिए ब्लॉग बना रहे हैं हम, क्योंकि ना जब तक ये ब्लॉग जाएगा ना उसके बाद तक भाई ये होगा कि हम उस दिन ऐसे दिख रहे थे, ऐसा वो था, ऐसा हमने वो, मतलब ये पल ना एक कैद हो जाएंगे यादों के रूप में। तो इसीलिए हमने ये सोचा कि मान लो जब पहले हम कदे ना वीडियो था कुछ भी ना था, भाई माध्यम नहीं था,
तो इस चीज ना हम बहुत सी चीजें वहां हमारे बच्चे भी देखेंगे। तो चलिए जा बैठ जाने, क्या देखा है या देख ले सर इसका मारो। हाँ तो मैडम जी भी बैठी हुई हैं गाइस। हाँ तो मैडम जी कैसा लग रहा है? आजा तुम्हें मैं बताऊंगी, आजा आजा तू। कैसा लग रहा है इतने फिलहाल तो क्या बताऊं, बेचैनी सी हो रही है आज तो सच में, नर्वसनेस है। हाँ बहुत बेचैनी हो रही है, ना तो इसा ना तो लौटा जाता मतलब देखो ना कितना 9 महीने की जर्नी है पूरी पार हो चुकी है, लास्ट दिन है ऐसा लग रहा ना। हाँ भाई ये तड़का है क्या होगा थोड़ा सा पता रहे ना, जितना फर्स्ट टाइम जो नर्वसनेस रहे जो चीजें रहे वे फिर मतलब बहुत सी चीजें जो कर पहली बार तक कुछ भी नहीं पता होता, फिर तो उसके बाद तेन हो जा है लेकिन बेचैनी सी हो रही है लौटा नहीं जाता ना बैठा जाता, थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो रही है और कुछ ना है जो कर उसने कह में है। तो करे तैयारी करें बैग पैक करना है। तो चलिए गाइस, गाइस मैं तो है ना कति आईब्रो वीब्रो भी बनवा का आई हूँ, टाइम ना लग गया इसने तो सच्चाई बात है तेरे तो पति एक्साइटमेंट में रहा है, देखो यह बात फैक्ट है इसने मैं तो क्या है देखो गाइस आज तो इन तीनों ने भी मेरा देखा है, दीशु ने भी मेरा देखा, भावी ने भी मेरा ये देखा है और भूमि ने भी मेरा ये देखा है। सारे बालक ना, हाँ सारे बालक सरू में बिल्कुल होते जो बाहर लिया कर दे मैं तो सबसे पहले मेरे हाथ में ही आए हैं, तो मैं तो एक्साइटमेंट बना है ना भाई, है कि नहीं? मैं भी उसको फर्स्ट टाइम देखूंगी मेरे को फर्स्ट टाइम देखेगा, इसलिए इसने तो तैयार होना बना था ना, कराई है तो थोड़ा सा ये भी है कि क्या होगा मतलब डके ढोलका नू जगर बड़े नू कह देना डके ढोलका के बेरा, थोड़ा सा वो कैस को टेंशन सी भी है और वो भी है, देखते हैं क्या होता है। अजीब सा ही फीलिंग है, वह तो बयान ना करी जा सकती है ना, थोड़ा सा मेंटल यार सच्चाई बात ये है कि मेंटल दिमाग तो है ना इसीलिए डिस्टर्ब ज़्यादा है। चलो जो कुछ होगा वो तो सामने आ ही जाएगा, अब तो मान लो बन रहा है आन की डील है ना वो क्या कर। तो चलिए गाइज अब हम करते हैं अपने बैग पैक। तो चलो हाँ इस बैग में इसमें रख लिया कंबल, जो दूसरा जाओगा इसमें तो सारी चीज मिल जाएंगी, और इसमें अब रख लेते हैं बेबी के कपड़े वगैरह जो जो हमने चीज चाहिएगी सारी चीज। पहले हमने वॉश करके पन्नी मेरे ख्याल तो है ना पन्नी रख ली मैं बैग के अंदर, क्यों जम्स वगैरह बैग के वॉश हो रहा है कपड़े सारे वॉश हो रहे हैं ना, पर एक एक पन्नी और कर ले जुकर जो होते सामान मांगा है ना जुकर मतलब कंबल तोलिया तालिया वो एक पन्नी न्यू की न्यू निकाल कर दे दे भाई, इसमें तो सारे निकाल निकाल कर देखना पड़ेगा कित के चीज है ना। अरे उसने और कर ले मैं है एक में, तो चलिए गाइज एक बार कर लेते हैं फिर दिखाते हैं आपको। तो गाइज आ गए थे घर, आने के बाद मैंने खाना वाना बनाया जल्दी जल्दी क्योंकि 7 बजने वाले थे, फिर मैंने सब्जी बनाई फिर रोटी बनाई फिर बच्चों को खिलाई 7:30 तक, फिर भी मेरे खाना वाना तैयार हो गया था और अब बच्चे बच्चे खा कर अंदर बैठे हैं, उसके पापा भी उनके साथ बैठ के न्यूज़ देख रहे हैं, तो बैठ गए हैं अब तकरीबन जो काम था कपड़े वपड़े भी प्रेस कर दिए सारे कपड़े रख दिए, अभी जैसे छोटा मोटा ज़्यादा तक ताकि सुबह कोई काम ज़्यादा एक्स्ट्रा ना बढ़े, जैसे ये हो जाता ना कि ये काम सुबह कर लेंगे अब वो सारा पेंडिंग में नहीं छोड़ूंगी, सारा काम करके ही सोऊंगी ताकि सुबह ये है कि बच्चे स्कूल चले जाएं
हर बच्चा का काम हो जाए, क्योंकि हम सोच रहे हैं बच्चों को स्कूल छोड़ के ही जाए, नहीं तो बच्चे यहाँ सारा दिन क्या करेंगे। और देखते हैं कैसे क्या होता है। कल तो इनकी बड़ी बुआ तो नहीं आ पाएंगी, उन्होंने बोला परसों आने के लिए। तो फिर ये है कि मान लो देखते हैं कैसे क्या मैनेज होगा, मैनेज करने की पूरी कोशिश है। कोशिश क्या है, मैनेज तो करना ही पड़ेगा सब। तो वो आ जाएंगी परसों घर पर, तो ये होगी घर पे तो वो अपने आप मैनेज कर लेंगे। और एक बुआ और आएगी इसकी छोटी वाली, उसको बोला कि वो हॉस्पिटल में रुक जाएगी, क्योंकि एक बंदा तो हॉस्पिटल में भी परेशान हो जाता है, दिन रात रहता रहता तो ऐसा चेंज सा हो जाएगा। तो सोच रहे हैं कल तो मैं ही रह जाऊंगी या कल शाम तक, देखते हैं जैसा भी जो कुछ होगा आपको दिखाएंगे। अभी कुछ फाइनल नहीं है कि कैसे क्या होगा, वो तो होने के टाइम पे ही पता लगेगा। तो गाइस, और ये ब्लॉग जब जाएगा, जब तक जाएगा, जब तक तो बेबी आ चुका होगा तभी ये ब्लॉग डालेंगे हम, ताकि ये है कि कोई ये ना कहे कि पहले ये डाल दिया वो डाल दिया, ये सिर्फ अपनी उसके लिए है। तो चलिए गाइस, इस ब्लॉग का यही एंड करते हैं। कल सुबह जाने का या जल्दीबाजी में क्या करेंगे, क्या शूट होगा क्या नहीं होगा, वो कुछ पता नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा मेंटली थोड़ा सा वो हो ही जाता है कि भाई सभी समझ जाते होंगे कि भाई थोड़ा सा वो दिमाग में उलझन सी बन जाए। तो आज इस ब्लॉग का करते हैं यही एंड। तो इस ब्लॉग की एंडिंग मैं ही ले रही हूँ, क्योंकि ये ब्लॉग तो मैंने अपने पर्सनल उसके लिए बनाया है। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर करना चाहिए मत करना, ये तो हमारे पर्सनल यादों के लिए है इसीलिए। तो चलिए गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए इतना ही, बाय।